Hi, I'm Meghna and welcome back to my YouTube channel Live It Up with Meghna Malik. And all those who are new to my channel, please don't forget to subscribe and hit the bell icon so that you get notified whenever I put up a new video. Aksar hum log bahut baatein karte hain about all the good things and good habits that we must pick up, like eating healthy food, eating good food, exercising more, drinking more water. बट हम रेयरली उन चीज़ों की तरफ ध्यान देते हैं अबाउट ऑल द थिंग्स और बैड हैबिट्स दैट वी मस्ट डू अवे विद. सो दिस वीडियो इज़ ऑल अबाउट द थिंग्स दैट वी मस्ट नॉट डू. आई एम वेरी क्यूरियस टू नो वॉट आर दोज थिंग्स दैट यू स्ट्रगल विद. आपकी ऐसी कौन सी बैड हैबिट है जिसे आप स्ट्रगल कर रहे हैं और जो आप छोड़ देना चाहते हैं, सो वो मुझे ज़रूर बताइएगा कॉमेंट सेक्शन में. एंड आई थिंक विदाउट मच अडू आई शुड स्टार्ट द वीडियो. सो द फर्स्ट हैबिट जो मुझे लगता है कि हमें बिल्कुल अवॉइड करनी चाहिए वो है अपने आप को क्रिटिसाइज करना, अपने आप को बॉडी शेम करना, अपने अंदर इम्परफेक्शंस को ढूंढना. आई थिंक ये हैबिट हमारी मेंटल हेल्थ को नेगेटिवली अफेक्ट करती है और हमारा सारा कॉन्फिडेंस शेक कर देती है. देर इज अ प्रोवर्ब आई सिंसियरली बिलीव इन, कंपेरिजन इज द थीफ ऑफ जॉय. बिकॉज गॉड ने हम सबको यूनिक बनाया है और जब हम अपने आप को कंपेयर करते हैं, इट इज़ समथिंग लाइक कंपेयरिंग ऑरेंजेस टू एप्पल्स. वी शुड स्टॉप फीलिंग बैड फॉर आवरसेल्व्स. इंस्टेड हमें अपने आप को चेरिश करना चाहिए और अपनी हेल्थ पर ध्यान देना चाहिए. द सेकेंड बैड हैबिट टू अवॉइड इज स्ट्रेस ईटिंग. यस, हम जब भी स्ट्रेस्ड होते हैं या टेंस्ड होते हैं तो पता नहीं क्यों उस स्ट्रेस और टेंशन से डील करने के लिए हम शुगरी फूड या जंक फूड को खाने लगते हैं. आई यूज टू डू इट ऑल द टाइम इन माई कॉलेज डेज एंड इनिशियल ईयर्स ऑफ माई जॉब ऑल्सो. बट देन आई रियलाइज कि स्ट्रेस ईटिंग से वेट गेन होता है, ब्लोटिंग होती है और भी हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं. बट आई एम वाइजर नाउ, आई डोंट डू इट एनी मोर. स्ट्रेस और टेंशन से कोप अप करने का बेस्ट तरीका है टू talk to someone who understands you. It can be your friends, it can be your parents, your spouse, anything. Or if you can, aap meditate kar sakte ho, aap walk pe ja sakte ho, read, write, lot of other things. But not food. No, it's a big no. So we should avoid stress eating totally. Third bad habit is scrolling endlessly on social media. Well, I'm not saying that social media is bad and we need to quit. No. But we need to realize कि हम endlessly और mindlessly जो scrolling करते रहते हैं उससे हमारा बहुत time waste होता है. To check it, अब मैंने अपने social media apps पर timers लगा दिए हैं, mobile consumption के लिए timers लगा दिए हैं और सारी notifications को off कर दिया है. So now I know when to stop myself and get the best out of social media. नेक्स्ट बैड हैबिट इज अनइंटेंशनल शॉपिंग. ये तो मुझे लगता है कि हम सबसे ज़्यादा करते हैं, बिना ज़रूरत के शॉपिंग करना, दूसरों को देखकर कुछ भी खरीद लेना और सेल को तो हम बिल्कुल रेजिस्ट नहीं कर पाते. अनइंटेंशनल शॉपिंग को हम थोड़ा टाइम के लिए ज़रूर इंजॉय करते हैं पर मुझे लगता है कि इससे हमारी लाइफ की क्वालिटी में कोई वैल्यू ऐड नहीं होती है. इन फैक्ट वी एंड अप रिग्रेटिंग इट ओनली एंड वेस्टिंग so much amount of money. The next bad habit is using earphones for longer hours. ये हम सब करते हैं घर पर, walk पे, traveling पे, TV देखते हुए, laptop use करते हुए, mobile use करते हुए. But it's actually very bad for our ears. हमें लगता है कि hearing loss सिर्फ old age से associated है, ऐसा नहीं है. Statistics have proved कि 20s and 30s कि एज वाले लोग भी हेयरिंग लॉस के रिस्क में हैं. ये मॉडर्न एज प्रॉब्लम है, डिजीज़ है. सो हम इसको अवॉइड कर सकते हैं. व्हाट वी कैन यूज़ इज़ हेडफोन्स, बिकॉज हेडफोन्स ईयर ड्रम से उतने क्लोज नहीं होते.
और कम डैमेज क्रिएट करते हैं. आई एम अ वर्किंग वुमन, सो फॉर टेकिंग माई क्लासेज एंड सेशंस आई हैव स्टार्टेड यूजिंग हेडफोन्स एंड दैट टू नॉइज कैंसलिंग हेडफोन्स. आई थिंक दैट इज अ बेटर चॉइस. नेक्स्ट बैड हैबिट इज टू अवॉइड वेयरिंग रॉन्ग शूज. इस पॉइंट से लेडीज और गर्ल्स ज्यादा रिलेट करेंगी. अक्सर हम हाई हील्स, अनकंफर्टेबल हील्स, टाइट ट्रेंडी फुटवेयर पहन लेते हैं टू लुक गुड, बट इट रिजल्ट्स इन पेन इन हिप्स, नीज, एंकल्स एंड फीट, और इससे हमारा पोस्चर परमानेंटली भी डैमेज हो सकता है. सो आई फील कि कुछ खास ओकेजन्स को छोड़कर हमें कंफर्ट एंड कंफर्टेबल शूज को चूज करना चाहिए. व्हाट डू यू से? लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज स्लीप डेप्रिवेशन एंड डिहाइड्रेशन. हम अपने स्लीपिंग आवर्स को और वाटर कंजप्शन को बहुत इग्नोर करते हैं. मॉडर्न लाइफस्टाइल के चलते हम लेट नाइट्स के यूज्ड टू हो गए हैं और हम पानी पीना तो भूल ही जाते हैं, और जब तक हमें प्यास लगती है हम बहुत थक जाते हैं. एंड लैक ऑफ स्लीप एंड लैक ऑफ वाटर अफेक्ट्स आवर परफॉर्मेंस, अलर्टनेस, मूड, एनर्जी एंड हेल्थ. तो 24 घंटे में हमें 6 से 7 घंटे सोना और 6 से 8 ग्लासेस पानी तो पीना ही चाहिए. So this is all for today, guys. I hope you find this video useful. Do subscribe to my channel for more videos, and I will see you soon. Bye.